यूपी के ललितपुर जिले की पाली तहसील अंतर्गत ग्राम खुशीपुरा जिरौनी निवासी युवक शिवचरण रजक के साथ दबंगों ने की मारपीट। उसने ललितपुर एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से प्रदीप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रदीप चौबी। आज मैं मौजूद हूं पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर। यहां पर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसके खेत पर कब्जा किया गया है। आइए जानते हैं उस व्यक्ति से कि उसके साथ किसने किया है यह सब। बताइए क्या नाम है आपका? शिवचरण रजक। कहाँ के निवासी हो? खुशीपुरा जिलोनी। तहसील कौन सी है? पाली। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या सर जी, हमारे बंद गया के पीछे से गेंती से खोद रहे थे, हमने उनको रोका जी, तो जब तो मान गए। फिर सुबह रहे हम उनके भाई खुलू आके गए, भाई कह हम उसको समझा देंगे। तो सुबह रहे के बाद फिर उनके भाई ने उसको समझाया हो नहीं समझाया हो जो कही हो, शाम के वो दारू पी के 4 बजे के लगभग आया हमारे घर घुस के खपरा फूरे और मोड़ी मोड़न हम बुरी बुरी माँ बहन की जो की आई वो गाली नहीं लट गया ठुक ठुक के या हम जान से मार के फेंक देंगे। वो मारपीट की है? मारपीट बच्चों को गाली माली नहीं, बच्चे घर में घुस के दुपरी रहे 2-4 बजे। और आप कहाँ थे तब? हम खेत पे थे सर। तो बखन कब की घटना है? ये 10 तारीख की है, शाम के 4 बजे से। तो आज तो 13 हो गई, अभी इससे पहले कहाँ प्रार्थना पत्र दिया? 10 तारीख को फिर हमने शाम को 112 को फोन लगाया, 112 आए, ये लोग भाग गए। फिर 112 बार कहने लगे कि तुम जाओ थाने प्रार्थना पत्र लिखवाओ। तो हम थाने गए, थाने हमने उनको एप्लीकेशन दिया दरोगा जी को, वो कहने लगे हम सवेरे आएंगे। सवेरे के बाद आज 13 तारीख हो गई 10 से, अभी तक कोई हमारे दरवाजे पे नहीं आया। अभी आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया? आपको एसपी कार्यालय। एसपी कार्यालय आए फिर हमने होता है। चलिए ठीक है।